जड़ावाला में अमरूद तोड़ने पर तशद्दुद, अहले इलाका ने पुलिस के सामने दुर्गत बना डाली। पुलिस का कहना था कि नौजवान अमरूद तोड़ने आया था, शहरियों ने डकैती के शुबे में पकड़ लिया। तांदियावाला में डाकू रात चोरों ने फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया। बुरसा का नाश सड़क पर रखकर एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुलजिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। तमरियाल में एएनएफ की कार्रवाई, मुसाफिर से 4 किलो हीरोइन बरामद। हुकाम का कहना है कि हीरोइन स्पेन स्मगल की जा रही थी। एएनएफ ने 2 सहूलतकारों समेत 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन, इश्तिहारियों समेत 26 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहा और मंशियात की भारी खेप भी पकड़ ली। सर्च ऑपरेशन में पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी शामिल। ऑपरेशन में खोजी कुत्तों और लेडी पुलिस से भी मदद ली गई। औरकजई में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया। मुहिम के तहत 40,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाना सबका कौमी फरीजा है। जहां मिसाइल वहां रॉयल, पासपोर्ट ऑफिस की करप्शन रॉयल न्यूज ने पकड़ ली। पाक पतन के पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों से लूट मार जारी। जनरेटर की मद में फी का 100 रुपए वसूली शुरू। शहरियों का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं हिना महमूद और मैं हूं कासिम खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताएं, जड़ावाला में अमरूद तोड़ना जुर्म बन गया। अहले इलाका ने डकैती के शुबे में नौजवान की दुर्गत बना डाली। अवाम ने कानून के सामने ही अपनी अदालत लगा ली। पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे और नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनते देखते रहे। थाना सदर के नवाही गांव चक नंबर 233 काफे का रिहायशी नौजवान शहर से घर वापस जा रहा था और रास्ते में 125 काफे के करीब अमरूद के बाग से अमरूद तोड़ लिए। बाग के माली ने छोर मचा दिया। ये डाकू है जिस पर अहले इलाका ने नौजवान को पकड़ लिया और खूब तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। थाना सदर पुलिस इतला मिलने पर मौका पर तो पहुंच गई और नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनते देखती रही। मीडिया के मौका पर पहुंचने पर पुलिस हरकत में आ गई और नौजवान को अहले इलाका के चुंगल से छोड़कर थाना में ले गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जड़ावाला से गुलाम फरीद हैं, उनसे जानते हैं। जी गुलाम फरीद, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, ये जड़ावाला थाना सदर के नवाही इलाका चेक नंबर 125 गाबे में वाकया पेश आया है। यहाँ पर 233 गाबे का रहायशी सनी नामी नौजवान शहर से घर वापस जा रहा था, तो इसने रास्ते से बाग से अमरूद तोड़ा, तो जिस पर माली ने ये शोर मचा दिया कि ये डाकू है, जिस पर अहले इलाका ने इसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मौका पर पहुंच गई लेकिन पुलिस ने ये सारा मामला देखती रही और खामोश तमाशे बनी रही। आगाह कीजिएगा, जब पुलिस मौका पर पहुंची तो उसने कोई कार्रवाई क्यों ना की? जी पुलिस ने कार्रवाई कोई नहीं की लेकिन यही माजरा देखती रही। जो अवाम है उन्होंने अपनी अदालत लगाई रखी और गरीब आदमी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और जब मीडिया की टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस ने हरकत में आकर फौरी तौर पर नौजवान को पकड़कर हवालात में ले गए। जी बहुत शुक्रिया गुलाम फरीद, आपने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़े और आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करें। थाना सदर में डाकू राज, रोड पर 3 नामालूम डाकुओं का नाका लगाकर लूट मार का अमल जारी। शहरी से असलहे के जोर पर नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट लिया। थाने वाले से आपको अपडेट किया जा रहा है, मुजाहमत पर डाकुओं ने नवाजिश को फायर मारकर कत्ल भी कर दिया। वर्सा का लाश चल्ला चौक पर रखकर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा। वर्सा का मुकामी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाजी कैंप तांदेवाले के हवाले से आपको
आपको अपडेट किया जा रहा है, वर्षा का गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आपको तांदियावाला से आगाह किया जा रहा है कि डाकू राज है, थाना सदर में डाकू राज, रोड पर तीन नामालूम अफराद डाकों का नाका लगाकर लूटमार का अमल जारी है। शहरी से असलहे के जोर पर नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट लिया। मुजाहमत पर डाकुओं ने नवाजिश को फायर मारकर कत्ल भी कर दिया। वर्षा का लाश चल्ला चौक में रखकर एहतजाज जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तांदियावाला से गुलरेज इकबाल। जी गुलरेज, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, तांदियावाला में थाना सदर का इलाका है, चक नंबर 405 गाफबे रोड पर डाकुओं ने रात को नाका लगाया हुआ था कि चक नंबर 406 गाफबे का रहायशी नवाजिश नामी रिटायर फौजी रात को अपने बेटे को लेने के लिए जल्ला चौक आया। यहाँ से उसे लेने के बाद वापस अपने घर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे रोक लिया और असला तान लिया। इस दौरान तीन नामालूम डाकुओं ने उनसे नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल भी छीन ली। नवाजिश नामी रिटायर फौजी जो है उसने डाकुओं से मुजाहमत की, जिस पर डाकुओं ने उस पर फायर खोल दिया। आगाह कीजिएगा किस किस्म का नाका लगाया था, क्या ये पुलिस की वर्दी में पहने हुए थे नाका लगा के? जी नहीं है, ये जो है वो सादा लिबास में थे और इन्होंने जो है वो मजामत जो है आगे रखी हुई थी, रोड पे लगाई हुई थी, बाड़े लगाई हुई थी, जहाँ पे इन्होंने जो आने वाले मुसाफिर थे, आने वाले राहगीर हैं, उनको जो है ना वो रोका जा रहा था। जी जी बहुत शुक्रिया गुलरेज तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सियालकोट थाना सिविल लाइंस के इलाका कैपिटल रोड पर मकान पर कब्जा करने की नीयत से मुलजमान सीढ़ी लगाकर आफ्ताब के घर दाखिल हो गए। पुरतशद्दुद कब्जा और डकैती की वारदात के दौरान लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी लूटने के अलावा आफ्ताब की वालदा और दीगर बच्चियों को अगवा करके ले गए। डीपीओ अब्दुल गफ्फार कैसरानी की हिदायत पर पुलिस ने मुलजमान गिरफ्तार करके मखवी बाजियाब करवा लिए। सियालकोट थाना सिविल लाइन के इलाका कैपिटल रोड के रिहायशी आफ्ताब आलम ने एफआईआर में मौकफ इख्तियार किया कि वो घर में सोया हुआ था कि मुलजमान अब्दुल जब्बार, आसिफ अख्तर, जीशान सीढ़ी लगाकर घर में दाखिल हुए और दीगर साथियों के हमरा खवातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। गन पॉइंट पर नकदी 25,000 रुपए तलाई जेवरात लूटने के बाद घर वालों को गन पॉइंट पर अगवा करके ले गए, जिस पर डीपीओ अब्दुल गफ्फार कैसरानी की हिदायत पर डीएसपी सिटी शाहिद नूर वड़ाइच ने एसएचओ इंस्पेक्टर सैयद नसीर के साथ टीम तश्कील दे दी है, जिसके बाद एसएचओ सिविल लाइन सैयद नसीर ने अपनी टीम के हमरा महकमाना सलाहियतें ब्रोएकार लाते हुए मुलजिमान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया और तमाम मगवी हिफाजत बाजियाब कर लिए। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। शोरकोट पेट्रोलिंग पुलिस हवेली बहादुर शाह के एएसआई गुलाम शबीर कोठन ने मुल्तान से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करवा के वर्षा के हवाले कर दिया। मुल्तान में अपनी फुप्पो के पास रहने वाला यतीम बच्चा 10 साल मोहम्मद सुहेल जो कि सौदा सेल्फ लेने के लिए घर से निकला, जिसे नौ मालूम अफराद ने अगवा कर लिया और अगवा के बाद झंग की तरफ ले जा रहे थे कि दौरान चेकिंग पेट्रोलिंग पुलिस हवेली बहादुर शाह के एएसआई गुलाम शबीर को अपने इलाके के हमरा गाड़ियों की चेकिंग करने में मसरूफ़ थे कि इसी दौरान गाड़ी में से बच्चे के रोने और शोर मचाने पर बच्चे से पूछगछ की गई और पूछगछ करने पर मसरूफ़ थे कि मौके से फ़ायदा उठाने हुए अगवाकार फरार हो गए, जबकि पेट्रोलिंग पुलिस ने मालूम करके अब बच्चे को चचा मोहम्मद रमज़ान के से हवाले कर दिया और बच्चे को इसके हवाले कर दिया। इस मौके पर एएसआई गुलाम शबीर कोठन का कहना था कि गुलाम की मदद करना हमारा फ़र्ज है और हर किस तरह की मदद करने के लिए हम आवाम के साथ रहेंगे। आगे बढ़े और आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करें। कोहाड़ से पुलिस का पिंडी रोड के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन में दो मतलूब इश्तिहारियों समेत 26 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन में 60 घरों की तलाशी ली गई। कोहाड़ से आपको अपडेट किया जा रहा है कि ऑपरेशन की कार्रवाई में असलहा और मंशियात की भारी खेप बरामद की गई है। कोहाड़ से आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीएसपी सदर रुखान जेब की जेर निगरानी ऑपरेशन में पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। 5 घंटे मुसलसल जारी ऑपरेशन की कयादत एसएचओ इस्लाम दीन कर रहे थे। ऑपरेशन में बीडीएस खोजी कुत्तों और खवातीन पुलिस की मदद भी हासिल की गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पेशावर से फजल हुसैन हैं। जी फजल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, ये पिंडी रोड के मुख्तलिफ इलाकों में कोहाट में सर्च ऑपरेशन हुआ है, जिसमें दो मसूब इश्तिहारियों समेत 26 मुश्तबे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। घरों के हवाले से अगर बात करें तो इसमें 60 घरों की तलाशी ली गई है और इसमें असला मंशियात और जो है बारी कैप भी बरामद की गई है। 5 घंटे मुसलसल ये ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन में जो है BDS कुछ सुरख रसा कुत्तों और खवातीन पुलिस की मदद भी ली गई थी। इसके हवाले में ये बताऊं कि 5 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा है, आगाह कीजिएगा क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ? नहीं, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसमें जो है ऑपरेशन खास तरीके से सरंजाम दिया गया है। मुसलसल जो है घरों को पहले इन्फॉर्म किया गया है और जो है सर्च ऑपरेशन किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें पेशावर से अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, कच्चा खू के नवाई इलाके रहमानगढ़ मरकजी कब्रिस्तान गंदगी के ढेर की आमाजगा बन गया। कब्रों की बेहुरमती, चार दीवारी टूट फूट का शिकार कब्रिस्तान खेल के ग्राउंड में तब्दील हो गया। इस हवाले से कच्चा खू से रिपोर्ट कर रहे हैं राणा सगीर हसन। कच्चा खू के इलाका रहमानगढ़, जिसकी आबादी इलाका भर में सबसे ज्यादा है, मुकामी कब्रिस्तान की हालत ज़ार अबतर है। गंदगी के ढेर फ्लड डिपो में तब्दील हो चुका है। गुज़श्ता दौर में बनाई गई चार दीवारी भी टूट फूट का शिकार है, जिसमें मुबीन तौर पर नाकस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ भी हुआ है। इस बारे में इलाका मकीनों का कहना है, चार दीवारी के लिए जो फंड आया था वो अभी तक चार दीवारी हमारी नामुकम्मल है, जिसकी वजह से यह सारी गंदगी आती है। ना कोई हुकूमती नुमाइंदा इसका एक्शन लेता है और ना ही किसी किस्म का भी कोई मकसद जो है गवर्नमेंट का नुमाइंदा या कोई बंदा या कोई ठेकेदार जिसने बनाई है उसने आकर दोबारा किसी किस्म का कोई काम शुरू किया है। और यह ताहाल खस्ता हाली का शिकार है, ना ही अच्छी बनी है और टूट फूट का शिकार। जैसा कि इलाका मकीनों का कहना था, इस वक्त से इशारा आम के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जबकि आवारा कुत्तों की माजगा बन चुका है। जो कब्रों की बेहरमती करते हैं, कब्रों के तकद्दस की बीमारी का सिलसिला जारी है। कब्रस्तान में मुल्क पाकिस्तान की खातिर शहीद होने वाले शोदा भी मदफून है, इसके बावजूद हालत काबिल रहम है। सतम जरीफी कब्रस्तान को खेलों के ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। मैयत की तदफीन के मौके पर शोर शराबा के मनाजर देखने को मिलते हैं। अहल इलाका ने अरबाब इख्तियार से नोटिस का मुतालबा किया है। कैमरा मैन असगर सुहेल के साथ राना सगीर हसन, रायल न्यूज़ का चाहू। रिपोर्ट आपने जानी। अब मरीज से आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करें। पुलिस के अहलकारों का THQ अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले पर तशद्दुद। डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए एमरजेंसी समेत काम बंद कर दिया है। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। यहां पर आपको मरीज से अपडेट कर रहे हैं पुलिस के अहलकारों का THQ अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले पर तशद्दुद का वाकया सामने आया है। डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए एमरजेंसी समेत काम बंद कर दिया है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, आपको मरीज से अपडेट करते चलें। पुलिस के अहलकारों का THQ अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले पर तशद्दुद। डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए एमरजेंसी समेत काम बंद कर दिया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं मरीज से, पुलिस के अहलकारों का THQ अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले पर तशद्दुद। डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए एमरजेंसी समेत काम बंद कर दिया। मरीजों को मुश्किलात का शदीद सामना करना पड़ रहा है। यहां पर मरीज से आपको अपडेट किया जा रहा है पुलिस के अहलकारों का THQ अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले पर तशद्दुद। डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए एमरजेंसी समेत काम बंद कर दिया है और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर बात करने के लिए हम मरीज से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं सिजाद अब्बासी। जी सिजाद, बताइएगा क्या वाकया है ये? जी बिल्कुल, ये नहायत ही अफसोसनाक वाकया अलग सुबह मरीज THQ हॉस्पिटल में पेश आया, जब मरी पुलिस के 3 अहलकार जो थे वो THQ हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे डॉक्टर उमर, और उनके साथ ट्रीटमेंट के हवाले से उनकी कुछ गुफ्तगू हुई, जिसके ऊपर डॉक्टर उमर ने उनकी ट्रीटमेंट की, लेकिन उन्होंने बदतमीजी शुरू की वहां के अमले के साथ और डॉक्टर के साथ, और वो इतना मामलात बढ़ते गए कि उन्होंने डॉक्टर उमर थे उनका तशद्दुद किया और उनके कपड़े फाड़ दिए। आगाह कीजिएगा क्या पुलिस के आला अफसरान ने इस वाकये का नोटिस लिया? जी बिल्कुल, ये जब ये वाकया पेश आया उसके बाद जो DSP मरी है सैफुल्ला भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर मरी जो है अदनान अफरीदी वो पहुंचे हैं। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया के साथ मुजाकरात किए हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना यही है कि जब तक इन पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, फिल वक्त जो है उन्होंने 5 बजे तक जो है वो टाइम जो है उन्होंने दिया है। और इसमें एक चीज और भी आपको बताऊँ कि इस आपस की चपकलिश के अंदर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, जिससे OPD और एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं और
جو مریض تھے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی جی بہت شکریہ سجاد عباسی, آپ نے ہمیں مریض سے اس واقعے کے بارے میں اپڈیٹ کیا. بلٹن میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.